हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के बारे में, जहां से लगभग 8000 टीचर्स की वैकेंसी निकल के आ रही है। तो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसको AWES भी बोला जाता है, और ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स होते हैं। लगभग 137 स्कूल हैं पूरे कंट्री में, और ये जो सैनिक होते हैं, सोल्जर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, उसी के लिए स्पेशली ये स्कूल्स बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट सेशन 2021 के लिए, ये जो अप्रैल में स्टार्ट होगा, उसके लिए ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, और इसकी एग्जाम डेट का जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 अक्टूबर 2020, और लगभग 20 अक्टूबर 2020 तक रहने वाला है। यानी कि 20 दिन तक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो 4 नवंबर 2020 को रिलीज हो जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट है, जो कि शायद चेंज हो सकती है, बट इसके चांसेस कम हैं। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी यहाँ पे क्लियर मेंशन की गई है, 21 एंड 22 नवंबर। तो एग्जाम 21 और 22 नवंबर को हो जाएगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो रिजल्ट है वो लगभग 2 दिसंबर तक आ जाने के आसार हैं। और यहाँ जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो जो स्टेज वन है, देखो बेसिकली एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री। तो ये जो हम एग्जाम अभी फिल करेंगे, ये स्टेज वन रहने वाली है, और ये है बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन पेपर होगा आपका 21 या 22 नवंबर को। और इसके अंदर अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आर्मी स्कूल्स की तरफ से आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा, और फिर आपका वो जो स्कोर कार्ड होगा वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर आप किसी भी आर्मी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। जब वहां कोई भी पोस्ट निकलेगी तो आपको इंटरव्यू के लिए जैसे ही पता लगेगा आप वहां जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, और फिर स्टेज थर्ड होगी, जिसमें कि आपकी टीचिंग स्किल और कंप्यूटर टेस्ट आपका करवाया जाएगा, और फाइनली आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमने देखा कि किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और एग्जाम डिटेल्स हमने देखी कि कब कब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम कब होगा, और उसका रिजल्ट कब तक आएगा। अब हम देख लेते हैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन को। तो ये एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, जहां आपको डिटेल में बताया गया है कि लगभग 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, जो कि पूरे इंडिया में लोकेटेड हैं, और यहाँ पे ये आर्मी के बच्चों को ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि लगभग 8000 टीचर्स की जरूरत है, अप्रोक्सीमेटली 8000 टीचर्स ऑन द रोल्स ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। आउट ऑफ दिस अ लार्ज नंबर गेट टर्न ओवर, तो इनमें से काफी सारे टीचर्स छोड़ के भी चले जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे वैकेंसीज बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद जो एग्जैक्ट वैकेंसी है लास्ट टू ईयर में, वो यहाँ दिखाई गई है कि 2315 एंड 2169 रही हैं। ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, और दोनों ही तरीके से ये आपको एनरोल करते हैं, रेगुलर बेसिस पे भी, और एक फिक्स टर्म जिसको कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलते हैं, तो वो रहता है, ठीक है। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया, जैसे कि स्टेज वन, स्टेज टू एंड स्टेज थ्री, थ्री स्टेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। जो ये आप फॉर्म फिल करेंगे, ये बेसिकली स्टेज वन यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट रहने वाला है, और ये 21 एंड 22 नवंबर को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन बेसिस पे ये एग्जाम होगा, और इसके बाद अगर आपने ये क्वालिफाई किया तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जो कि लाइफ टाइम वैसे उसकी वैलिडिटी रहती है, बट आपको विद इन 3 ईयर्स तक आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये एग्जाम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी तीनों ही लेवल पे होने वाला है। अगर आप ये एग्जाम कंडक्ट मतलब क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद क्या, उसके बाद इंटरव्यू होता है अलग अलग पूरे, जैसे कि मैंने आपको बताया 137 स्कूल हैं पूरी कंट्री में, तो इनमें से जहां भी रिक्रूटमेंट निकलती है, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर या फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन कर देते हैं स्कूल्स, और वहां से आप देख के इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका वो ये इंटरव्यू स्टेज क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए अप्लाई करना पड़ता है।
इवेल्युएशन एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल, जहां पे आपको डेमो देना होता है और कंप्यूटर भी आपका देखा जा सकता है, और इसी में आपको एक राइटिंग रिटन टेस्ट होता है जिसके अंदर एसे और कॉम्प्रिहेंशन जो कि 15 मार्क्स के रहते हैं, दोनों चीजें ये आपसे करवाई जाती हैं, और आपका कंप्यूटर टेस्ट भी लिया जा सकता है अगर उनको नीडफुल लगता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, जो स्टेज और स्टेज टू एंड स्टेज थ्री होंगी ये कहीं भी ली जा सकती हैं स्कूल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, जहां भी उनको बेनिफिशियल लगेगा। और इसके अलावा जो ऑनलाइन जो स्क्रीन टेस्ट होगा यानी कि 21 और 22 नवंबर को है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि ये तीन पोस्ट पे हैं, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, तीनों ही पोस्ट के लिए ये होने वाला है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, जो पीजीटी की पोस्ट है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपने की हो और लगभग 50% मार्क्स आपके मिनिमम रहे हों, और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री हो वो भी 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो ग्रेजुएशन आपने एटलीस्ट की हो 50% मार्क्स के साथ और बीएड हो 50 मार्क्स के साथ। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। इसमें एक और कंडीशन हो सकती है कि मान लो आपने 50% से कम लिए हैं ग्रेजुएशन में, बट आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें आपके 50% से ज्यादा हैं, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीआरटी के लिए आपको ग्रेजुएशन की होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ये आपका हो। ठीक है, तो ये भी 50% मार्क्स के साथ, तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर्स की आर्मी पब्लिक स्कूल में, 1 अप्रैल 2021 से पहले आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जो फ्रेश कैंडिडेट हैं यानी कि जिनके पास लेस देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो, वो उनकी एज होनी चाहिए 40 ईयर से कम। ठीक है, अगर आप दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इस कैटेगरी में आपको फॉलो करना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्सपीरियंस टीचर हैं यानी कि आपके पास 5 से 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो आपकी एज 57 ईयर से कम होनी चाहिए। ठीक है, सीटेट या अदर स्टेट टेट इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है कि आपके पास हो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में। हाउएवर जो सीटेट या एसटेट या फिर कोई भी स्टेट टेस्ट है वो ये मानते नहीं है। अगर बाय चांस आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आपका इंटरव्यू एग्जाम काफी अच्छा रहा है और आपके पास सीटेट नहीं है, तो भी ये आपको एडहॉक बेसिस पे लगा लेते हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं होंगे बट ठीक है, ये जो एडहॉक बेसिस पे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लगा लेते हैं। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है 2020 का वो कंडक्ट होगा 21 और 22 नवंबर को, जैसे कि हम देख चुके हैं। और इसमें एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा वो भी यहां दिया है। जो पीजीटी और टीजीटी है उसका पेपर 1 और पेपर 2 कैसे रहने वाला है, देखो पार्ट ए और पार्ट बी दो फेजेस में ये पेपर है, इकट्ठा ही होगा, एक साथ होगा पेपर, बट इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पार्ट ए है इसमें जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, ये सब हमारे टॉपिक रहने वाले हैं जो कि 90 मार्क्स के होंगे। और बी पार्ट यानी कि सब्जेक्ट की स्पेसिफिकेशन, जैसे कि आपके पास मास्टर्स में जो भी सब्जेक्ट रहा हो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके बाद जो सब्जेक्ट के लिए, तो मास्टर्स डिग्री में जो आपका सब्जेक्ट हो वो रहेगा, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। और जो टीजीटी लेवल पे है यानी कि ग्रेजुएट्स के लिए जो सेकेंड स्टेज का एग्जाम देते हैं उनके लिए क्या रहेगा, अगर आप साइंस या मैथ से एग्जाम दे रहे हैं तो साइंस में मान लो आप फिजिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है मास्टर्स में, तो साथ में केमिस्ट्री और ज्योग्राफी या फिर आपका बायोलॉजी ये सब्जेक्ट, सॉरी ज्योग्राफी यहाँ नहीं होता, तो इसमें मैथ्स बायोलॉजी इस तरीके के सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे, वो भी 10-10 मार्क्स का वहां से भी पूछा जाएगा। अगर आप सोशल स्टडीज का पेपर दे रहे हैं तो जैसे अगर मान लो आपका हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है तो आपसे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वो सारे सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे 10-10 मार्क्स के, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। और जो एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन है वो लगभग 180 मिनट्स की रहने वाली है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एक पार्ट ए ही होगा और ये जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो यहाँ पार्ट ए था वही सेम यहाँ रहने वाला है। ठीक है ना, तो
जो कैंडिडेट हिंदी या संस्कृत के टीचर हैं उनके लिए दोनों लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट किया जाएगा, और वो इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं पेपर, ठीक है। और एक कुछ फिक्स पार्ट होगा जो कि सिर्फ इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको जो जॉब असाइन की जाएगी वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में की जाएगी, तो इसीलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। तो ये हुआ एग्जाम सिलेबस की पेपर के अंदर क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा और क्या क्या आएगा, ठीक है। और ये जो पेपर होगा पीआरटी का, ये 90 मिनट्स का रहेगा। अगर बाय चांस आपने पीजीटी के लिए अप्लाई किया है बट आपका पेपर ए, जो पार्ट ए है वहां आप क्लियर कर जाते हैं और पार्ट टू में आप फेल हो जाते हैं या नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो आप पीजीटी या टीजीटी के लिए तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका पीआरटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट ए है ये तो दोनों साइड सेम रहेगा, तो इसीलिए आपका ये वाला पेपर क्लियर माना जाएगा। और बाकी की जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो आपको पीआरटी क्लियर माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज किया जाएगा 100 मार्क्स से, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 मार्क्स की, तो रॉन्ग मार्क्स के लिए आपका 0.25 डिडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ बोला गया है कि कैंडिडेट को फ्रीडम मिलेगी कि चाहे वो पार्ट ए पहले करे या बी पार्ट पहले करे, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 50% मार्क्स दोनों सेक्शन में, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अलग अलग 50% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। और जो एग्जाम फीस है वो आपकी 500 रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी कि उसको वापस नहीं किया जाएगा किसी भी कंडीशन में। रजिस्ट्रेशन के लिए साइट यहाँ पे पोर्टल दिया गया है HTTP, आप देख सकते हैं, तो यहाँ क्लिक करके या फिर इसको आप अपने स्क्रीन पे टाइप करके और यहाँ से आप ऑनलाइन वेबसाइट पे इनके जा सकते हैं, या फिर अगर आप आर्मी स्कूल्स को सर्च करेंगे तो वहां भी आप इनके नोटिफिकेशन को पा सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गए हैं, 1 अक्टूबर 2020 से 10 AM पे, और ये 20 अक्टूबर को 5 PM तक क्लोज कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको फिल करना है तो उससे पहले ही आप फिल कर लें, ठीक है। तो यही इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होंगी, उसके बाद पेमेंट आपको करना पड़ेगा। जब आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं वो सब आपको अपलोड करने होंगे, और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको SMS के थ्रू भी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका फॉर्म अप्लाई हो गया है। एग्जाम सेंटर आपको मिलेंगे, एग्जाम सेंटर्स के लिए आपको कुछ चॉइसेस मिलेंगी, तो आप वहां से भी पता कर सकते हैं कौन सा सेंटर आपको फिल करना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, जो भी आपको पास लगे आप वो फिल कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन इसके मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे, 4 नवंबर से 13 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एडमिट कार्ड हैं वो आ जाएंगे टाइम पे, हमने देखा था वो आई थिंक 4 नवंबर के बाद आ जाएंगे, तो वो चेक कर लेंगे। एग्जाम रिजल्ट 30 डे के अंदर आपको वेबसाइट पे दिखाई देगा, मतलब उससे पहले ही आपको अपना स्कोर कार्ड जो है डाउनलोड कर लेना होगा, उसके बाद वो वहां से हटा दिया जाएगा। और अगर आपको फिर भी बाद में चाहिए होगा तो आपको कुछ फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना रिजल्ट ले सकेंगे, ठीक है। स्कोर कार्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर ये सब हमने देख लिया है। रजिस्ट्रेशन 1st से 20th तक रहेगा, और 4 नवंबर को आपकी जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे, एग्जाम डेट 21-22 नवंबर रहेगी, और रिजल्ट लगभग 2 दिसंबर तक आ जाएगा, ठीक है। आप अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हैं तो आप वो भी इसी वेबसाइट पे ले सकते हैं। पार्ट ए के लिए आपको 50 रुपीज पे करना होगा, और पार्ट बी के लिए भी आपको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको 50 रुपीज पे करना होगा, ठीक है। यही सब बातें हैं इसके अलावा। और जो अच्छा, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो उसके बाद रिफंड आपको किसी भी कंडीशन में नहीं मिलने वाला, तो ये वो लिस्ट है जहाँ पे 137 स्कूल हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास कौन सा स्कूल है, और उसी के लिए आप जैसे ही वहाँ पे कोई भी वैकेंसी होती है तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और ये सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं, लगभग 17 सब्जेक्ट हैं जो कि आप जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां डैश है, जैसे कि पीजीटी संस्कृत के आगे डैश सो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वैकेंसी नहीं है। या फिर जैसे अगर देखें टीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए वैकेंसी नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी के लिए टीजीटी में वैकेंसी नहीं है, कॉमर्स टीजीटी में वैकेंसी नहीं है, साइकोलॉजी टीजीटी में वैकेंसी नहीं है और होम साइंस टीजीटी में भी वैकेंसी नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप बाकी किसी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये आपका, इसके अलावा मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। इंग्लिश में आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश की और बीएड होनी चाहिए, ऐसे ही हिंदी में मास्टर डिग्री प्लस बीएड। तो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेन तो आपके पास वहाँ की मास्टर डिग्री हो और साथ में बीएड हो, ठीक है। इसी के साथ साथ ये तो सभी मास्टर्स कोर्सेज के लिए हैं। अगर आप मान लो टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और बीए बीएड होना चाहिए इंग्लिश में, अगर मान लो आपको इंग्लिश में करनी है, और साथ में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, यानी कि पीजीटी के लिए के मास्टर्स डिग्री और साथ में बीएड, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन डिग्री और साथ में बीएड आपकी कंपलसरी है, और पीआरटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा डीएलएड या फिर बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उसमें भी आप कर सकते हैं, और ब्रिज कोर्स आपको 6 मंथ का होना चाहिए, जैसे अगर फॉर बीएड अदर देन इन एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन में हो, उसके अलावा किसी चीज में कर रखी हो तो आपके पास ब्रिज कोर्स होता है 6 मंथ्स का, वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये टाउन्स हैं जहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि एग्जाम सेंटर के लिए आप जो जो फिल कर सकते हैं तो वो आप यहाँ से चेक कर लें, या जब आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो भी वहां पे आपको शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कंप्लीट डिटेल रही किस चीज के, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के जो स्कूल्स में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा 21st और 22nd दिसंबर का, उसके बारे में। तो अगर आपको फिल करना है तो विद इन टाइम फिल कर दीजिए, क्योंकि शायद फिर बाद में अगर एक बार रजिस्ट्रेशन डेट चली गई तो ये दोबारा से लिंक ओपन नहीं करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।